प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 प्रश्नावली 2, जोड़ घटाव और उसमें सवाल नंबर 7। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7, दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताइए। यह हमें दो संख्याओं का योगफल दिया गया है। अब उनमें से एक संख्या बता रखी है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के योगफल में से एक संख्या का मान घटा लेंगे, तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए हम इसे हल करते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 7678। इसमें से जो एक संख्या दी हुई है वह हम घटा लेंगे। एक संख्या है 4613, घटा लेंगे तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 7 में से 1 घटाएंगे, 6। 6 में से 6 घटाएंगे, 0। 7 में से 4 घटाएंगे, 3। कितना आया? 3065। अब हम इनके सामने लिख सकते हैं 7678 दो संख्याओं का योगफल। थोड़ी जगह छोड़ करके लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल। चार हजार 613 ये उनमें से एक संख्या, ये जो प्राप्त हुई 3065 ये हुई दूसरी संख्या। ये हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई 3065। तो इसे विद्यार्थी आप अलग से वापस भी लिख सकते हैं। अतः दूसरी संख्या 3065 और ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ हो, उनमें से एक संख्या दी हुई हो, तब हम दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो योगफल में से जो दी हुई संख्या है वह हम घटा लेते हैं, तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से ऐसे सवालों को समझते हुए हल करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।